राधे राधे, राधे राधे। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। एक डाल पर एक कौवा बैठा था और वहीं एक पेड़ के नीचे गिलहरी रहती थी। एक दिन कौवा गिलहरी बहन हम खेती करते हैं। गिलहरी बोली, ठीक है भैया, उन दोनों ने जाके खेत की जुताई करी। समय आने पर गिलहरी बोली, चलो भैया, पानी गिर गया, हम अपनी फसल बोआते हैं। कौवा बोला, बहन तुम चलो, हम पीछे से आता हूँ। ठीक, गिलहरी गई खेत बोए आई, उसमें पानी लगाया, खाद लगाई। जब फसल तैयार हुई, फसल पक गई, गिलहरी बोली, भैया चलो हमारी फसल पक गई है, अब हम काट आते हैं। कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी गई खेत काट आई, काट गए। फिर गिलहरी आई, कहने भैया अब हम खेत काट आए हैं, अब हम लोग चलें और अपनी अपनी फसल बांट लें। कौवा बोला, ठीक है। बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी गई अपने हिस्से का अनाज अपने घर ले आई, कौवा का अनाज वहीं पड़ा रहा। तेज आंधी आई और पानी बरसा, कौवा का सारा अनाज बह गया। कौवा डाल पर बैठा, काँव 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 करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कौवा बहुत आलसी था। हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और सबको शेयर करें। राधे राधे।